तो आपके साथ आशीष पांडे बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से, रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का रोड शो प्राचीन देवल से अगस्त मुनि खेल मैदान तक ये रोड शो होना है। नारी शक्ति वंदन महोत्सव में शिरकत करेंगे सीएम। समारोह में बड़ी संख्या महिलाएं शामिल हो रही हुई हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं। रुद्रप्रयाग से खबर, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का यह रोड शो प्राचीन देवल से अगस्त मुनि खेल मैदान तक रोड शो। खबर पर सारा जानकारी के साथ रोहित डिमरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े। रोहित, रोड शो को लेकर क्या अपडेट? अधिक मैं बताना चाहूंगा, आज राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज लक्ष्मी पहुंचेंगे, यहाँ पे नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के तहत वो प्रतिमा करेंगे। इससे पहले अभी उन्होंने दसवीं राज्य महाविद्यालय से रोड शो निकाला है, जो रोड शो अब दसवीं फील्ड में पहुंच चुका है। यहाँ पर एक नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के तहत वो प्रतिमा करेंगे। साथ ही मैं बता दूं कि इस कार्यक्रम में करीब 25 से 30 हजार की जनसंख्या यहाँ पे पहुंची हुई, जगह जगह से क्षेत्र से लोग यहाँ पे पहुंचे हुए। भारी से बड़ा यहाँ पर विशाल का पंडाल लगा दिया गया है। पंडाल लगाने के बाद इस पंडाल में आज सीएम पुष्कर सिंह धामी जनता को संबोधित करेंगे। साथ ही कह सकते हैं कि जो महिलाएं जिनको सरकार की ओर से योजनाओं का लाभ मिला है, वह भी सीएम पुष्कर सिंह धामी तक संवाद करेंगे। तो इस तरह कह सकते हैं बेटी बुआरी के तहत यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आज जगह जगह इस कार्यक्रम के चलते लोगों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। कितना लंबा ये रोड शो रोहित? करीबन कह सकते हैं कि यह रोड शो 5 से 6 किलोमीटर का रोड शो था, जिसमें हजारों की संख्या में जो है स्कूली नौनिहालों ग्रामीण के साथ ही जो है भाजपा कार्यकर्ता भी शामिल हुए। और कह सकते हैं कि लगा एक हफ्ते से यहाँ तैयारियां चल रही थी, जो कि जनपद में एक मात्र खेल मैदान अगस्त मुनि है, जहां पर यहाँ तैयारियां चल रही थी। और सभी अधिकारी कह सकते हैं कि जो जितने भी अधिकारी हैं, सभी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वे ग्रामीण जगह जगह से ग्रामीणों को इकट्ठा करेंगे। जिन लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है वे यहाँ पे पहुंचेंगे। तो इसको लेकर भी जुटे हुए थे। कह सकते हैं कि हर ग्राम पंचायत के करीबन 100 से 200 लोगों को यहाँ पर लाया गया, करीबन 25 से 30 हजार के बीच यहाँ पर आज यहाँ पर जो है पब्लिक पहुंची हुई है, जो सीएम पुष्कर सिंह धामी को सुनेंगे भी। इसके अलावा जो सरकारी योजना का लाभ मिला है उनके जरिए वो संवाद भी करेंगे। इस रोड शो के जरिए क्या मैसेज देने की कोशिश है रोहित? मैं आपको बताना चाहूंगा कि आगामी समय में लोकसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंचे हैं लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। साथ ही तौर पर कह सकते हैं कि उनका रोड शो कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि जो भाजपा है पार्टी है उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे जो लोग हैं जुड़े हुए हैं, उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि रोड शो में जो ऊपरी लोग भवनों में मकानों में लोग रह रहे थे, वह भी दूर दूर से सीएम पुष्कर सिंह धामी को देख रहे थे। और पंडाल इतना बड़ा बनाया गया है कि कह सकते हैं कि इस पंडाल में करीबन 20 से 25 हजार जो लोग हैं उनको बैठने की व्यवस्था से लेकर जो लोग अन्य सुरक्षा के तौर पर कह सकते कि पुलिस के जवानों की तैनाती यहाँ पर कर दी गई है। इसके साथ ही अन्य जो व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर भी यहाँ पर जवानों का तैनात किया गया है। रोड शो में और कौन कौन से बड़े चेहरे जो है रोहित दिखाई दे रहे हैं? जैसे बताना चाहूंगा इस रोड शो में करीबन जो हमारे उच्च शिक्षा मंत्री हैं धनसिंह रावत जी, वह भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा कैदनाथ की विधायक सैलर राम रावत भी हैं, क्षेत्रीय विधायक और विधायक भरत सिंह चौधरी हैं। इसके अलावा तमाम भाजपा संगठन के जो बड़े बड़े वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, भाजपा जिलाध्यक्ष हैं, तो कह सकते हैं सभी इस रोड शो में शामिल हुए हैं। इसके बाद कार्यक्रम चलेगा नारी शक्ति वंदन के तहत, जो पुष्कर सिंह धामी यहाँ पे जनता को संबोधित करेंगे। और इस कार्यक्रम को लेकर बहुत सारी जो तैयारियां हैं कह सकते हैं कि की गई थी, और तैयारी को आज मजे में रखते हुए पब्लिक यहाँ पे पहुंची हुई है। और यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं ग्रामीण जनता है जिनको योजना को लाभार्थी है उनको भी यहाँ पर लाभान्वित करने के लिए पुष्कर सिंह धामी जी पहुंचे हुए। ठीक है रोहित, तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। चले बढ़ेंगे आगे उत्तराखंड दौरे पर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़े